दोस्तों, आज के इस डिजिटल इंडिया के दौर में कैश कैरी करना कोई जरूरी नहीं है। आज के टाइम पे अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है तो आपके पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं। UPI के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, प्लास्टिक मनी के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। UPI तो अभी आया है, लेकिन हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का उपयोग तो काफी समय से कर रहे हैं और आज भी इसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई है। हम इसे प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। आज अगर हमें किसी को पेमेंट करनी हो तो हम प्लास्टिक मनी का भी उपयोग कर सकते हैं। आज मुश्किल से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अभी तक प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग ना किया। कभी सोचा है ये कार्ड मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कैसे इसकी पर्सनलाइजेशन होती है, कैसे प्लास्टिक मनी के माध्यम से हम पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ATM कार्ड क्या होता है और किस प्रकार इन कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इनका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है और कैसे ये कार्ड काम करता है पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले टाइम पे आपको हमारे से रिलेटेड नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। दोस्तों, अगर हम बात करें कार्ड्स की तो यहाँ पर दो प्रकार के कार्ड्स होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल कार्ड्स और एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल कार्ड्स। फाइनेंशियल कार्ड्स के अंदर हमारे आते हैं ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नॉन फाइनेंशियल के अंदर आते हैं हमारे जैसे रॉयल्टी कार्ड, मेंबरशिप कार्ड, एम्प्लॉयज का आई कार्ड, गिफ्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड वगैरह। इस तरह के बहुत सारे कार्ड्स हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, मेनली इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल कार्ड की, जिसके अंदर आता है हमारा ATM कार्ड, जिसको हम लोग ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी कहते हैं। ये कार्ड हमें बैंक के द्वारा दिया जाता है। इसके लिए हमारा बैंक के अंदर खाता होना जरूरी है। पहले के जमाने में क्या होता था, अगर हमें अपने ही खाते से पैसे निकालने होते थे तो हमें बैंक के अंदर जाना पड़ता था, अपनी पासबुक दिखानी पड़ती थी और एक फॉर्म भर के हम अपने पैसे निकाल सकते थे, जिसके अंदर प्रॉब्लम ये आती थी कि कई बार बैंक बंद है, कई बार खुला हुआ है, कई बार हमें शाम को पैसे की जरूरत है और हमें वेट करना पड़ता था कि सुबह बैंक खुलेगा तब जाके हम पैसे लेके आएंगे। तो समय के साथ सिस्टम बदला और बैंकों ने हमें दे दिया ATM कार्ड। इस ATM कार्ड के माध्यम से अब हम बैंक में जाकर मशीन के द्वारा पैसे निकाल सकते हैं और ये मशीन 24 घंटे खुली हुई रहती। धीरे धीरे समय बदला और ये ATM कार्ड की जगह ले ली डेबिट कार्ड ने। डेबिट कार्ड कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, ये भी वही कार्ड है। फर्क इतना है कि इस कार्ड का यूज आप खाली ATM पे नहीं कर सकते, इसके साथ में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। आप शॉप करने के लिए सीधा दुकान पे जाइए, वहां पर आप शॉपिंग करिए और अपने बिल की पेमेंट अपने डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और पैसा सीधा आपके अकाउंट से कट जाए। डेबिट कार्ड एक सिक्योर सिस्टम है, इसके ऊपर 16 डिजिट का डेबिट कार्ड नंबर दिया हुआ होता है, साथ में डेट ऑफ इशू दे रखी होती है और उसके पीछे CVV नंबर दे रखा होता है, जिसको हम लोग कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कहते हैं। जब भी आप कोई पेमेंट करने के लिए कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कार्ड मशीन के अंदर अपने कार्ड को स्वाइप करना होता है। जैसे ही आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो मशीन सबसे पहले ये पता लगाती है कि ये कार्ड वैलिड है या इनवैलिड है। अगर मशीन को लगता है ये कार्ड वैलिड है तो मशीन बैंक को एक मैसेज पास करती है और बैंक से अप्रूवल आने के बाद तुरंत आपसे एक 4 डिजिट का पिन पूछा जाता है। जैसे ही आप पिन को एंटर करते हैं, मशीन फिर से कम्युनिकेशन करती है बैंक के साथ में और बैंक जैसे ही अप्रूवल दे देता है, तुरंत आपके ही खाते से आपका बैलेंस डेबिट हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग डेबिट कार्ड कहते हैं। दूसरी तरफ है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो हर किसी को आसानी से नहीं दिया जाता। क्रेडिट कार्ड देने के लिए बैंक का एक क्राइटेरिया होता है। बैंक पहले चेक करता है कि कंज्यूमर की एलिजिबिलिटी क्या है, उसके आधार पर ही बैंक कंज्यूमर को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। साथ ही उसकी एलिजिबिलिटी के आधार पर ही क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी डिफाइन की जाती है। क्रेडिट कार्ड का यूज भी सेम टू सेम डेबिट कार्ड की तरह होता है। आप चाहें तो उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं,
फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो इंस्टेंटली आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है, बट क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं होता। उसका आपके बैंक अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। ये क्रेडिट फैसिलिटी बैंक के द्वारा आपको अलग से दी जाती है। जब आप पूरे महीने के अंदर क्रेडिट कार्ड से कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो मंथ एंड पर बैंक एक स्टेटमेंट आपको बाय मेल और बाय कुरियर आपको भेजता है। उस स्टेटमेंट के अंदर आपके प्रीवियस मंथ के सारे एक्सपेंसेस जो आपने करे हैं डिटेल वाइज दिए गए होते हैं, और साथ ही आपको समय दिया जाता है 30 से 50 दिन का, जिसके अंदर आपको ये पेमेंट करनी होती है। आप चाहें तो फुल पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप फुल पेमेंट नहीं करते हैं तो बैलेंस अमाउंट के ऊपर आपको हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। दोस्तों, अगर बात करें क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री की तो 1958 में बैंक ऑफ अमेरिका ने बैंक एमरी कार्ड प्रोग्राम को लॉन्च किया, और मिड 1960s में बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने सारे बैंकों को बैंक एमरी कार्ड इशू करने का लाइसेंस दे दिया, और 1977 में इसी कार्ड का नाम वीजा कर दिया गया और इसको इंटरनेशनली अडॉप्ट कर लिया गया। दोस्तों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि वीजा क्या है। तो यहाँ इसको इस तरीके से समझिए कि सपोज करिए मेरा बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और जब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में जाता हूँ तो वो मुझे एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं। अब उस कार्ड को लेकर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा जाता हूँ और वहाँ के एटीएम से मैं उसमें से कैश निकालने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं कस्टमर हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को तो पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो वो कार्ड वहाँ पे रिकग्नाइज कैसे होगा, वो मुझे वहाँ पर पेमेंट कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे सिस्टम क्या होना चाहिए कि जैसे ही मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में अपना एसबीआई का कार्ड इंसर्ट करूंगा तो एक मैसेज स्टेट बैंक को जाएगा और वो उसे वेरीफाई करेगा कि ये कार्ड जेन्युइन है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। बैंक ऑफ बड़ौदा पहली बात तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैसेज नहीं भेज सकता, दूसरी चीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाटा शेयर नहीं करेगा, वो बैंक ऑफ बड़ौदा को नहीं बताएगा इस कार्ड की क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे में हमें एक थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है। थर्ड पार्टी है हमारी वीजा। तो यहाँ पर जैसे ही हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पे इंसर्ट करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन वीजा के साथ शेयर करी हुई है। वीजा ने ही वो कार्ड बना के हमें दिया है, और जैसे ही वो कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पे डाला जाएगा तो वहां से एक सिग्नल पास होगा वीजा कंपनी के पास, और वीजा वाले उसको अप्रूव्ड करेंगे। जैसे ही मेरा कार्ड अप्रूव्ड हो जाएगा मैं कैश विड्रॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वीजा कंपनी की हमें जरूरत पड़ेगी एज ए थर्ड पार्टी कार्ड की वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर इंडिया के अंदर खाली वीजा ही नहीं है, वीजा के साथ में हमारी अमेरिकन एक्सप्रेस भी है थर्ड पार्टी, हमारा मास्टर कार्ड भी है और रुपे कार्ड भी है। यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि आपको जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है या तो वो वीजा कंपनी ने इशू किया है या रुपे ने इशू किया है या अमेरिकन एक्सप्रेस ने इशू किया है या मास्टर कार्ड ने इशू किया है, बैंक तो सिर्फ एक स्पॉन्सर है जो उस कार्ड को स्पॉन्सर कर रहा है। असलियत में ये कार्ड जो है ये इन्हीं चारों में से किसी एक कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। दोस्तों, क्योंकि एक फाइनेंशियल मैटर है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी एक गुप्त जगह पे की जाती है, जनरली इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें नंबर वन स्टेप है जिसके अंदर पॉलीविनाइल क्लोराइड एसीटेट, जिसको हम लोग पीवीसीए भी कहते हैं, को अदर एडिटिव्स के साथ मिला करके और मिक्स करके कोर शीट बनाई जाती है, जिसमें रोलर की सहायता से शीट को फ्लैट रखा जाता है और एक प्रॉपर थिकनेस दी जाती है। उसके बाद शीट को कूलिंग यूनिट में ठंडा करके रख दिया जाता है। सेकंड स्टेप में कोर स्टॉक को कोट करने के लिए लैमिनेट फिल्म को बनाया जाता है। इन पतली फिल्म को एक स्लॉट कास्ट डाई प्रोसेस के साथ बनाया जाता है और इसे भी ठंडा करके स्टॉक में रख दिया जाता है। स्टेप नंबर तीन है प्रिंटिंग। इसके अंदर प्रिंटिंग प्रोसेस को कैसे करते हैं, इस पार्ट के अंदर बैंक के द्वारा दिए गए कलर स्कीम के आधार पर इसे डिजाइन किया जाता है। फिर बारी आती है पेंट बनाने की, जहां पर बैंक के कलर स्कीम के आधार पर ही पेंट को बनाया जाता है। इस पेंट में टॉप सीक्रेट इंग्रेडिएंट को शामिल किया जाता है, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट है इसलिए हमें नहीं पता कि वो कौन कौन से पेंट होते हैं, लेकिन हम फिर भी इतना बता सकते हैं कि एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट इसमें शामिल होते हैं।
तैयार किए गए पेंट को प्रिंटिंग प्रेस के इंक टैंक में लोड किया जाता है और इसके बाद इसमें प्लास्टिक कोर शीट पर टेक्स्ट और ग्राफिक प्रिंट किए जाते हैं। ये प्रोसेस डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेसेस का यूज करके किया जाता है और ये मशीन एक घंटे में लगभग 7,000 कार्ड प्रिंट कर सकती है। इस पूरे प्रोसेस को सिक्योरिटी कैमरा भी ऑब्जर्व कर रहा होता है ताकि फैक्ट्री में कोई भी गड़बड़ ना हो सके। कार्ड कंपनियां अपने डिजाइन में कुछ यूनिक डिजाइन भी प्रिंट करवाती हैं, जिससे कार्ड के डुप्लीकेट होने की संभावना काफी कम हो जाती है। कार्ड प्रिंटिंग के बाद इसे बारीकी से चेक किया जाता है और ये एश्योर किया जाता है कि प्रिंटिंग ठीक से हो गई है। इसको मैनुअल तरीके से और अल्ट्रावायलेट प्रोसेस दोनों तरीकों से चेक किया जाता है और जहां पर हिडन या यूनिक प्रिंटिंग को बारीकी से चेक किया जाता है उसके बाद ब्लैक मैग्नेटिक स्ट्रिप को हॉट स्टैंपिंग मेथड के द्वारा ऐड किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले इसको समझते हैं कि ब्लैक मैग्नेटिक स्ट्रिप क्या होती है। दोस्तों, जब आप पेमेंट करने के लिए कार्ड मशीन में स्वाइप करते हैं तो इसी मैग्नेटिक स्ट्रिप में मौजूद आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्वाइप मशीन में फीड हो जाती है और फिर ये मशीन रिलेटेड बैंक को सिग्नल भेज देती है और पता करती है कि ये कार्ड वैलिड है या नहीं, और बैंक के कंफर्मेशन के बाद ये मशीन आपसे पिन मांगती है और पिन एंटर करने के बाद वापस ये मशीन बैंक को सिग्नल भेजती है और बैंक के कंफर्मेशन के बाद अगर आपके कार्ड में सफिशिएंट बैलेंस है तो पेमेंट ट्रांजेक्शन पूरी हो जाती है। हालांकि ये जो ब्लैक मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड जो हैं, ये कई बार हैक हो चुके हैं और इसके अंदर थोड़ा सिक्योरिटी को लेके एक इश्यू बना रहता है। इसीलिए अब समय के साथ इसमें टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया है और अभी के जो कार्ड आ रहे हैं उनमें EMV चिप लगाई जा रही है। EMV के जो फुल फॉर्म है वो है यूरोपे मास्टर कार्ड वीजा। इसकी शुरुआत यूरोप में की गई थी और अब धीरे धीरे ये जो टेक्नोलॉजी है ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं सबके अंदर ये EMV चिप लगाई जा रही है। ये काफी सिक्योर टेक्नोलॉजी है और इसे यूज करने का तरीका भी सेम ही है जैसे हम मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला कार्ड यूज करते थे। EMV चिप्स जेंट क्लास सिलेंडर जिसका वजन लगभग 225 किलोग्राम तक होता है को हजारों पतली वेफर में काट कर किया जाता है। इसके बाद इसमें टाइनी माइक्रो सर्किट एम्बेडेड किए जाते हैं और इस प्रकार एक मिनी चिप बनाई जाती है। EMV चिप अपने आप में एक छोटा सा कंप्यूटर है और फाइनली इसको क्रेडिट कार्ड में इंसर्ट कर दिया जाता है। इसमें प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर स्मार्ट कार्ड का कम्युनिकेशन बैंक के साथ करवाता है जब हम इस कार्ड को मशीन में इंसर्ट करते हैं। तो इस प्रकार प्रिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारी कोर शीट रेडी हो जाती है लेमिनेशन के लिए। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम लोग कार्ड को लेमिनेट करते हैं। लेमिनेशन कार्ड के फिनिशिंग को प्रोटेक्ट करता है और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इस प्रोसेस में कोर स्टॉक के शीट रोलर के माध्यम से फैलाई जाती है। इसमें लेमिनेट स्टॉक्स के रोल कोर स्टॉक के एक ऊपर और एक नीचे स्थित होते हैं। इसके बाद ये रोल इसे वैक्यूम शू में फीड करते हैं। वैक्यूम प्लास्टिक के तीनों टुकड़ों को एक साथ रखता है जब उससे ट्रैकिंग स्टेशन पर ले जाते हैं। ट्रैकिंग स्टेशन पर क्वार्ट्ज इंफ्रारेड हीट लैंप की एक पेयर ऊपरी और निचली प्लास्टिक फिल्मों को गर्म कर देती है। फिर लेमिनेट फिल्मों को मेटल की प्लेटेंट्स के साथ दबाकर कोर स्टॉक को पूरी तरह दबा दिया जाता है, जिन्हें 130 डिग्री तक गर्म किया जाता है और 166 PSI पर स्क्वायर इंच के दबाव के साथ लगाया जाता है। इस लेमिनेशन प्रोसेस में 3 मिनट का समय लगता है। अब बारी आती है स्टेप नंबर 5 की। लेमिनेशन पूरा होने के बाद तैयार असेंबली को डाई कटिंग मेथड के द्वारा काटा और पूरा किया जाता है। प्रत्येक असेंबली एक शीट देती है जिसे 63 कार्ड में काटा जाता है और अब प्रिंट किए गए एक एक कार्ड को सेपरेट किया जाता है और रिलायबिलिटी टेस्ट के लिए आगे बढ़ाया जाता है।
और इस टेस्ट के बाद कार्ड में EMV चिप को लगाया जाता है। इसके बाद कार्ड पर कार्ड स्पॉन्सर कंपनी के होलोग्राम को लगाया जाता है और कार्ड को लॉट में जमा किया जाता है। बाद के कार्यों में बैंक के द्वारा दिए गए यूजर के डिटेल जैसे उसका अकाउंट नंबर, नेम को एम्बोस किया जाता है और फाइनली कार्ड को शिपिंग के लिए तैयार किया जाता है। दोस्तों अब जिज्ञासा वश उठने वाला क्वेश्चन नंबर 2 कि आखिर इस कार्ड से स्पॉन्सर्स को मतलब बैंक्स को या जो कार्ड कंपनी है वीजा या मास्टर कार्ड इन्हें क्या फायदा होता है। तो इनका जो प्रॉफिट है वो 3 तरीके से इनको मिलता है। नंबर 1, ये हर साल आपसे मेंबरशिप फीस लेती हैं, जो उनकी जो फीस है डेबिट कार्ड के केस में 100 रुपये से 500 रुपये हो सकती है और क्रेडिट कार्ड के केस में 500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक की एनुअल मेंबरशिप फीस होती है जो एज ए कंज्यूमर आप इनको पे करते हैं। आप जो ये फीस है वो डायरेक्ट वीजा कंपनी को पे नहीं करते हैं, वीजा कंपनी आपसे ये फीस आपके स्पॉन्सर दैट मीन्स बैंक के माध्यम से आपसे लेती है। कमाई का जो दूसरा इनके पास जो ऑप्शन है वो है लेट फीस। आपको क्रेडिट कार्ड के अंदर सिर्फ 30 से 50 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर आप दी हुई समय अवधि के अंदर बैंक को पेमेंट नहीं लौटाते हैं तो बहुत हैवी इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाता है। कमाई का जो तीसरा जरिया है वो है मर्चेंट। जब आप किसी भी मर्चेंट के पास जाके अपना कार्ड स्वाइप करते हैं तो वहां पर उस मर्चेंट से भी ये कंपनीज 1-2% तक का चार्ज करती हैं। यही इनके प्रॉफिट का मेन जरिया है। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बनाए जाते हैं। दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा होगा जिसको आप देखना पसंद करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चैनल पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरी तरफ से बड़ा वाला थैंक यू है। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही फिर किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।